है विधि और निषेध मुख से तत्व उपलब्धि का भी क्या जरूरत। वेदांत को अभीष्ट तो व्यतिरेक दृष्टि ही है। तत्वज्ञान होने के पश्चात यदि अन्वय दृष्टि हो तो वो संपूर्ण में हो। पहले व्यतिरेक करके एकदम हमना एकदम हमना ये हमें नहीं हूं या मैं नहीं हूं। सबसे जब निकाल लेंगे मुंजादि स्वीकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के रूप में अपने को जान लेंगे, उसके बाद मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है ऐसा हो तो ये भी ठीक है और मैं ही सब प्रतिमान सब है। परंतु यदि पहले व्यतिरेक दृष्टि से देह अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि से या जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि से अपने को पृथक नहीं करेंगे तो अन्वय दृष्टि यदि पहले हो गई तो देहात्म बुद्धि जो है वो बनी रहेगी और देहों की चिन्मय करके हमारा देह की चिन्मय है जो पहला संसारी भाव है दुखदायी जड़ और असत में सद्बुद्धि वो बनी रहेगी। इसलिए उपासना में सर्वं खल्वेदं ब्रह्म करके जो कि साक्षात साधक नहीं है वो भी देह में से आत्मा को बाहर करने की एक पद्धति ही है। तो सर्वं खल्वेदं ब्रह्म इसको अन्वय दृष्टि नहीं कह सकते, इसको तो एक प्रकार की उपासना बोल सकते हैं। पर दृष्टि तो तब है जब परिच्छिन्न देह में से आत्मबुद्धि निकल जाए व्यतिरिक्त दृष्टि हो जाए और उसके पश्चात साक्षात परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होने पर कि मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है तो फिर जो प्रतीयमान है वो सब का सब तृण से लेकर के प्रकृति पर्यंत अथवा कीट से लेकर के रेंगर पर्यंत ईश्वर पर्यंत जो कुछ है सो सब मैं ही हूँ आत्मन हूँ। और परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है ये तो दोनों जो है ये प्रक्रिया है परमात्मा को समझने के लिए निषेध मुख विधि मुख। वस्तुतः जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो ना व्यतिरिक्त है और ना तो अन्यत है। ये व्यतिरिक्त और अन्यत दोनों तो अनिर्वचनीयता की कक्षा में ही है। परमात्मा तो स्वयं अन्वित और अव्यतिरिक्त, न वो किसी में अन्वित है कारण होता तो कार्य में अन्वित होता, दृष्टा होता दृश्य में अन्वित होता, तो न तो वो किसी में अन्वित है और जब दूसरा है ही नहीं तो व्यतिरिक्त किससे हो। इसलिए परमात्मा के स्वरूप में तो अन्वय व्यतिरेक नहीं है। परंतु जिज्ञासु को विचार करने के लिए प्रथम व्यतिरेक दृष्टि से विचार करना चाहिए और उसके बाद सहज स्वाभाविक रूप से अन्वय हो तो रहे और न हो तो उसके बिना कुछ रहता भी नहीं है। हो ज्ञानी का प्रारंभ होता है कि नहीं, दोनों पक्ष में शास्त्रों में वचन मिलते हैं। जैसे प्रारब्ध पक्ष में कुर्वन् नाम्नोति के विषय कर्मण्य कर्म यत् पश्येत्, प्रारब्ध के अभाव के पक्ष में ज्ञानादि कर्म कर्माणि आत्मसात् कुरु नैव किंचित् करोमि इति क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कृपया समझाने की कृपा करें। प्रश्न करता स्वामी जिसकी जिस शिष्य की जिज्ञासु की दृष्टि में प्रारब्ध है उसकी दृष्टि से ज्ञानी में भी प्रारब्ध है और जिस जिज्ञासु की दृष्टि में प्रारब्ध रहा ही नहीं
तो उसकी दृष्टि से ज्ञान में भी प्रारब्ध नहीं होता है। हाँ, मुख्य दृष्टि से ऐसा है कि हम एक पुरुष को ज्ञानी के रूप में देखते हैं। ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को तो देखते हैं, और स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जवाब करने, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आप ब्रह्म हैं? तो बाबा बोले कि तुम ब्रह्म को देखकर उससे पूछ रहे हो कि तुम ब्रह्म हो? ब्रह्म को तो कोई देखता नहीं, देखते हैं शरीर को। और जब ज्ञानी पुरुष को एक शरीरधारी के रूप में देखेंगे तो उसमें कभी रोग दिखेगा, कभी संयोग दिखेगा, कभी विभोग दिखेगा, जैसे और लोगों के जीवन में दिखाई पड़ता है रोग शोक वियोग, वैसे ज्ञानी पुरुष को भी दिखेगा। तो उनके मन में कारण कार्य की वासना बैठी हुई है। वो पूछेंगे, महाराज आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, आपके जीवन में ये रोग कहाँ से आया, ये संयोग वियोग कहाँ से आया है? तो अब पूछने वाले को तो शरीर दिख रहा है, शरीर का रोग संयोग वियोग ये सब दिख रहा है। तो उसके समाधान के लिए उसको केवल यही उत्तर दिया जा सकता है कि जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर का प्रारब्ध भी रहता है। और जैसे तीर एक बार छूट जाने के बाद लक्ष्य पर गिरे बिना शांत नहीं होता है, इसी प्रकार जिन कर्मों से संचित के संचित तो क्षीण हो गए, क्रियमाण क्षीण हो गए, आगामी भी क्षीण हो गए। तद अधिगमे उत्तर पूर्वाग्रयो अश्लेष विनाशो, और यही स्थिति पुण्य की भी है। अगले सूत्र में बताया कि अघ और पुण्य दोनों की स्थिति, तो पाप और पुण्य जो कर्म है संचित क्षीण हो गए, क्रियमाण क्षीण हो गए, आगामी क्षीण हो गए, और प्रायश्चित तो तत्वज्ञ के लिए रहा ही नहीं। अब जो उसका जीवन चलता हुआ दिखता है, सामान्य लोक की दृष्टि में कार्य कारण भाव आवश्यक है। तो जिस कर्मांश से शरीर बन गया है आकृति, अब कहो ज्ञान की ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी की आकृति का नाश हो जाए, तो आकृति तो रहेगी, जाति तो रहेगी, ये मनुष्य है, और लिंग भेद भी रहेगा, ये स्त्री है ये पुरुष है, मैत्रेयी हो चाहे याज्ञवल्क्य हो, लिंग भेद भी रहेगा, जाति भेद भी, ये मनुष्य है रहेगा, और आयु जब तक शेष है तब तक रहेगी। और जीवन में जो सुख दुख आदि के निमित्त आते हैं वे भी रहेंगे। तो अज्ञानी जन की दृष्टि से प्रारब्ध का प्रबोधन ज्ञानी पुरुष करते हैं। अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वही श्रुति। तो विमुक्तश्च विमुच्यते, ये जो तुम्हारी श्रुति है, ज्ञान समकाल सद्यो मुक्ति हो गई, परंतु जब तक शरीर है तब तक अथ विमोक्ष। इसलिए अज्ञानी पुरुष को समझाने के लिए तत्वज्ञानी के शरीर में प्रारब्ध है, और स्वदृष्टि से तो न कभी वो करता था, न कभी उसका पूर्व जन्म था, और न तो अब भोगता है और न तो उसका भोग है। तो अन्य दृष्टि से ज्ञानी पुरुष का प्रारब्ध होता है और स्वदृष्टि से नहीं होता। और ये जो गीता के श्लोक उद्धृत किए हैं, इनमें तो जैसे नहीं हो किंचित करो मिति,
युक्तो मन्ये तो तत्वविद, इसमें प्रारब्ध का कोई उल्लेख नहीं। और ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, इसके व्याख्यान में तो स्पष्ट रूप से जो भोगाभास है ज्ञानी के जीवन में वो बना रहता है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। तो देखो, जब प्रपंच है, जब जीव, जब उसका पुनर्जन्म है, तो वो प्रारब्ध से हुआ है और शरीर पर्यंत प्रारब्ध रहेगा। और जिस दृष्टि से न तो प्रपंच है और न जीव का जीवत्व है और न कर्तृत्व है और न भोक्तृत्व है, उस दृष्टि से प्रारब्ध नहीं होता है। तो तत्व दृष्टि से प्रारब्ध नहीं होता है, ये भी एक व्यावहारिक दृष्टि ही है जिससे प्रारब्ध होता है। और अज्ञान कलुषम जीव ज्ञानाभ्यासा ज्ञान स्वयं नश्य जलम कतक रेणुव। ज्ञान के अभ्यास से अज्ञान से मेरा जीव शुद्ध होता है। अज्ञान का नाश करके ज्ञान स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जैसे निर्मली बूटी जल को स्वच्छ कर आप उसी नष्ट हो जाती है, इसमें अज्ञान की ज्ञान से शुद्धि व स्वयं ज्ञान का नष्ट होने का अभिप्राय स्पष्ट करने की कृपा करें। प्रश्न करता श्री गोविंद। देखो, तीन दोष मानते हैं ना, मल, विक्षेप और आवरण। तो चाहे कोई जिज्ञासु कितना भी तीव्र जिज्ञासु हो, उसके अंतःकरण में मल, विक्षेप, आवरण रूप दोष रहते हैं। तो ये जो ज्ञानाभ्यास है, ये अमानित्व, अदम्भित्व आदि का अभ्यास है, ऐसा मान लो। ये भी न हो तो मनन निधिध्यासन रूप अभ्यास, मनन और निधिध्यासन दोनों अभ्यास, और श्रवण जो है वो ज्ञान है। तो यदि श्रवण करने के पश्चात भी संशय विपर्जय रूप दोष रह जाते हैं तो मलिनता तो है ही है। जब तक अविद्या का किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी शेष है, तब तक उसकी निवृत्ति की अपेक्षा है और निवर्तक ज्ञान होता है। इसलिए संशय विपर्जय रूप दोष को ज्ञानाभ्यास के द्वारा निवृत्त करो तो श्रवण प्रतिबंध रहित होकर के अविद्या का नाश कर देगा। और यदि अमानित्वादि दोष है, अमानित्वादि दोष स्थूल है वो, और संशय विपर्जय जो है वो सूक्ष्म है, वो श्रवण के द्वारा निश्चय हो जाने के पश्चात भी संशय विपर्जय कभी आ सकते हैं, और विपर्जय आने पर मानित्व आदि दोष आ ही जाएंगे। इसलिए ज्ञानाभ्यास का अर्थ है कि अपने अंतकरण में वासनाएं उठती हैं, कर्तापन उठता है, भोक्तापन उठता है, तो इनको वासना से, कर्तापन से, भोक्तापन से मुक्त करके, और जो अपने शुद्ध अंतकरण में आत्म तत्व का प्रतिबिंबन है, उस प्रतिबिंब को बनाओ दृश्य, और जिस बिंब का वो प्रतिबिंब अंतकरण में दिख रहा है उसके स्वरूप का चिंतन करो, तो ये ज्ञानाभ्यास हो जाएगा और ये मलिनता जो है चित्त में उसको दूर करेगा। माने संशय विपर्जय को, सबसे बड़ा दोष तो संशय विपर्जय है और इनकी माँ है अविद्या। तो जब तक अविद्या निवृत्त न हो जाए तब तक आवृत्ति असकृत उपदेशा, जैसे नौ बार तत्वमस्यादि महावाक्य का उपदेश, उस प्रकार अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास माने दोहराना होता है, दोहराना किसी चीज को दोहराना। हम पढ़ रहे मोक्ष चिंतामणि, पहले पहला श्लोक पढ़ा, गौरी श्रव के तगपत्र भंगम आकृष्य हस्ते न ददन मुखाग्र,
विघ्न मुहूर्ता करित द्वितीय रथ प्ररोह हरतुद्विपास्य। दो बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, जो प्यार नहीं हुआ, हमारे बाबा ने कहा इसको दोहराओ, अभ्यास करो। अभ्यास माने दोहरावनी, घोखना, बार बार उसको दोहराओ दोहराओ दोहराओ। करत करत अभ्यास के जरन पिहोत सुजान, रसरी आवत जाटते सिल कर परत निशान। इसलिए ये मलिनता का जो अभ्यास है, तद बुद्धया तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिम, और ज्ञान निर्भूत कलमशा, अविद्या पर्यंत कलमश का जब निर्धूनन हो जाता है, तब अपनरावृत्ति स्वरूप जो अपना आत्मा है वही रह जाता है अनुभव स्वरूप। इसलिए तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणा, ये अभ्यास जो है इसमें करना चाहिए, और अभ्यास से परहेज नहीं करना चाहिए। ये जीवन के लिए तो सबसे अधिक उपयोगी यही है। आप तत्व ज्ञान से परमात्मा हो सकते हैं और हैं, परंतु बिना अभ्यास के महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा होने के लिए अभ्यास परम आवश्यक है। इसलिए ज्ञानाभ्यास से ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुदा, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकदेक परत्वंच, ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुदा। ये ब्रह्माभ्यास जीवन में अवश्य होना चाहिए। ओ अर्थात दुख क्या है, ये हेतु अर्थात दुख का कारण क्या है, आन अर्थात दुख की निवृत्ति क्या है, आनोपाय अर्थात दुख की निवृत्ति का अमोघ उपाय भी क्या है। अपने स्वरूप के अतिरिक्त किसी दूसरी सत्ता में सद्बुद्धि, दूसरी वस्तु में सद्बुद्धि जो है, भ्रांति चित्त बुद्धि और सुख बुद्धि है। सत्य बुद्धि चित्त बुद्धि और चित्त बुद्धि में ब्रह्मलोक पर्यंत जितने देवी देवता हैं, हृदयनगर पर्यंत सब, वे हमको सुख दुख दे सकते हैं या सुख दुख के प्रकाशक है। तो अपने से अतिरिक्त में जो सद्बुद्धि चित्त बुद्धि आनंद बुद्धि है, यही दुख का हेतु है। और उस हेतु को स्पष्ट रूप से ही अनुभव करते हैं, दूसरे को चित्त मानने में पराधीनता रहती है, दूसरे को सत मानने में द्वंद्व बना रहता है, दूसरे को सुख मानकर हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख की हेतुता तो द्वैत भ्रांति में सर्वथा स्पष्ट है। उस द्वैत भ्रांति का मूल है अविद्या। तो अविद्या की निवृत्ति ही उसका उपाय है, और अविद्या निवृत्ति के लिए जो भी उपयोगी है, यहाँ तक कि चार बार मत से लेकर के और ब्रह्म विद्या पर्यंत, जो भी उस भ्रांति की अविद्या की निवृत्ति में उपयोगी है, उस सब का सब उपाय के अंतर्गत आ जाता है। उपादायापि चेहिया उपायास्ते प्रकृतिता। व्याकरण के पाठ्यपदीय ग्रंथ का कहना है कि जिसको पहले तो स्वीकार किया जाए और बाद में छोड़ दिया जाए, उसका नाम उपाय होता है। ये व्याकरण से बन जाता है मध्यम पद का, इसमें उपादायापि चेहिया ये भी एक समास के प्रत्यय। उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना,
जिन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं उनको दुलार दुलार करके प्यार प्यार करके उनकी समझ में आ जाए, इस ढंग से समझाने का नाम उपाय है। पहले गोली से अक्षर सिखाएंगे और फिर गोली का परित्याग करवा देंगे, नाव से नदी पार करेंगे, नाव को छोड़ देंगे। ये अदमयादि कोष का जो विवेक है वो तो स्पष्ट ही उपादायाति जे या है, और जागृत आदि अवस्था का जो विवेक है अथवा पंचीकरण है, त्रिवृतकरण है, ये सब के सब पहले उपादान और पीछे हे हैं। इसलिए अविद्या की निवृत्ति में जो भी उपयोगी है, यहाँ तक कि हमने देखा एक सज्जन थे बंबई में, वो भूत प्रेतों का आवाहन करते थे। तो मैंने कहा कि तुम इतने अच्छे वैष्णव पल्लव संप्रदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति, तुम भूत प्रेत का आवाहन क्यों करते हो? वे बोले कि महाराज, इस लौकिक जगत से परे ही कोई परलोक है, इसका विश्वास प्रायः लोगों के मन में नहीं होता। तो जब हम भूत प्रेत का आवाहन करके उन्हें दिखाते हैं तो उनके मन में ये विश्वास जमता है कि इस लोक की अपेक्षा परलोक है, और कुछ ऐसी चूनियां हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो मनुष्य की दृष्टि से देखने में नहीं आते हैं। तो परलोक पर विश्वास दृढ़ करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो अपन देखो चार बाघ है, सर्वथा भूत चतुष्टयवादी, जड़वादी, शून्यवादी बौद्ध है, और वृद्धि अपक्षय युक्त चैतन्य मानने वाले जैन हैं। ये भी अपने अपने स्थान पर विचार में सहायक होते हैं। इसलिए जो भी अविद्या निवृत्ति में सहायक हो हमारी योग्यता के अनुसार, उसके द्वारा विचार करके चाहे जैसे हो इस दुख के कारण अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए, और उसकी निवृत्ति केवल विद्या से ही होती है। अविद्या की निवृत्ति अतः तत्व ज्ञान ही समग्र दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का हेतु है। ये है कि हमारा ये जो धर्म है इसने जड़ता में चेतनता की स्थापना की। यज्ञ और देवता, यज्ञ कर्म है और उसमें जो आराध्य देवता है वो चेतन है, दोनों को मिलाकर देवता का विग्रह कैसा, यद्यपि पुराने मीमांसक विग्रह नहीं मानते हैं परंतु वेदांत मत में देवताओं का विग्रह मान्य है। तो देवताओं का विग्रह कैसा होता है? तब पशु पक्षी मनुष्य शरीर के समान देवताओं का विग्रह नहीं होता है, वो दिव्य होता है। तो धर्म की उपयोगिता उससे सिद्ध होती है कि उसने काम्य की शुद्धि रखते हो, वार्तिककार कहते हैं सकाम कर्म करोगे तब ही अंतकरण की शुद्धि होगी। तो कैसे होगी? तो उसमें देवत्वादि की प्राप्ति के योग्य शरीर का निर्माण होगा, शरीर दिव्य हो जाएगा। तो नारायण, धर्म तो मूल है ही, इसने तो चिन्मय शरीर, धर्म से चिन्मय शरीर की स्थापना होती है, जड़ शरीर की व्यावृत्ति और चिन्मय शरीर की स्थापना, ये धर्म का काम है। और उपासना ने क्या किया कि उसमें भक्ति उस चिन्मय शरीर में आसक्ति उत्पन्न कर दी। उस आसक्ति से क्या हुआ कि संसार की जो आसक्ति है, राम कृष्ण आदि शरीर में आसक्ति होने से संसार की आसक्ति छूटती है। अब जिससे हमारी आसक्ति होती है, भगवत शरीर से, श्री विग्रह से, चिन्मय शरीर से, वो चिन्मय शरीर में जो नाम रूप है वो किस दिव्य तत्व से बना है, यदि इस पर विचार जिज्ञासा का उदय हो जाए
तो धर्म, भक्ति और जिज्ञासा, ये तीनों मिल करके हमारी अविद्या निवृत्ति के परंपरागत हेतु और साक्षात हेतु बन जाते हैं, बहिरंग और अंतरंग हेतु बन जाते हैं। और अर्थ और धर्म नियंत्रित कर लेता है तो वे भी अविद्या निवृत्ति में हेतु बन जाते हैं, क्योंकि भोजन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती ही है। भिक्षा तो सन्यासी को भी चाहिए, वो भले वो अर्थ ही तो है, अर्थार्जन ही तो है ना, भिक्षा तो एक प्रकार का अर्थ ही है, केवल जीवन के निर्वाह भर, उसको भी दंड कमंडलों की अपेक्षा होती ही है। तो जहां धर्म से नियंत्रित अर्थ काम होते हैं, वहां अर्थ भी अविद्या की निवृत्ति में साधन है, काम भी अविद्या की निवृत्ति में साधन है। तो अंततो गत्वा विश्व सृष्टि में जो कुछ है, यदि गंभीरता से स्वामी जी बोलते हैं, प्रामाणिक दृष्टि से उनकी गवेषणा की जाए, तो वे सब के सब, सारा जो दृश्य प्रपंच है, असल में दृष्टा को अपने स्वरूप की ओर उन्मुख करने के लिए है। और सारी उपनिषदें जो हैं, ये इस दृष्टा को ब्रह्म स्वरूप बताने में सफल हो जाते हैं। इसलिए दुख का हेतु और हान और हानोपाय ये जो है, विचार करके देखा जाए तो जैसे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, और वो कबूतर से भी और लड़की से भी और हाथी हथिनी से भी और पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, सबसे अविद्या निवृत्ति की शिक्षा लेते हैं। उस प्रकार यदि कोई विचारवान पुरुष हो तो सब जगह से वह अविद्या निवृत्ति के उपाय, असल में भगवान ने ये जो सृष्टि प्रकट की है, ये अविद्या निवृत्ति का उपाय सीखने के लिए ही की है। ये जो पति पत्नी का झगड़ा है, ये जो भाई भाई का झगड़ा है, ये जो पिता पुत्र का मतभेद है, ये जो शत्रुता मित्रता है, ये सब की सब जो है, ये वैराग्य द्वारा आत्मज्ञान में ही उपयोगी है। यदि कोई विचारवान हो तो इसके द्वारा वो निवृत्त हो सकता है। प्रश्न करता है श्री गिरधर भाई। ईश्वर है सर्वभूतानां, ईश्वर और हृदय एक वचन है, सर्वभूतानां बहुवचन है, तो ईश्वर और हृदय का संबंध समझाएंगे, क्या वो एक ही है और क्या हृदय को आत्मा समझना चाहिए, थोड़ी हृदय की बात समझाइए। असल में बात तो है प्रत्यक्ष चैतन्य की ओर उन्मुख होने की। हृदय उसको कहते हैं कि जो संसार की वस्तुओं को देखकर, क्रियाओं को देखकर, व्यक्तियों को देखकर, उनके द्वारा एक प्रकार का संस्कार आहरण करके अपने अंदर रख लेता है। हरिय धातु जो है वो हरति, आहरति संस्कारान इति हृत, जो देखी सुनी वस्तुओं में से संस्कार इकट्ठा करके अपने अंदर रख लेता है, उसका नाम होता है हृदय। वो कहाँ है? अंतः शरीर धर्म पुंडरीकम वेश्म, हमारे शरीर में ही एक कमल है। हमको गुरु जी ने व्याकरण पढ़ते समय एक दिन पूछा, तुमको मालूम है 12 बरस के थे, हमें गुरु जी से वैसे तो 10-11 बरस की उम्र में गांव में पढ़ा था, और 12 बरस की उम्र में तो परीक्षा दी थी। तो उन्होंने पूछा, तुमको ये मालूम है सांस एक बार बाहर जाती है और एक बार भीतर आती है, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा, हमको तो नहीं मालूम है।
तो बोले कि हृदय में एक सरोवर है, शरीर के भीतर एक सरोवर है, ऐरम मदीयम सरह। तो उस सरोवर में एक कमल है सुंदरी, उस पर एक हंस जो है वो विचरण करता है। तो जब उसका पांव किसी पंखड़ी पर पड़ता है तो पंखड़ी नीचे दबती है तो सांस ऊपर निकल जाती है, और जब उस पर से वो अपना पांव उठाता है तो पंखड़ी ऊपर उठती है तो सांस ऊपर चली जाती है। ऐसे उन्होंने हमको बताया था वो है वही जद अंत शरीर तद अन्वेष कर दिया। इस शरीर के भीतर जो है उसको ढूंढिए, उसका अन्वेषण कीजिए, और अन्विष्ट त्याग प्रमाण ही हो दोष पापमा विवर्जित। वो हंस हमारे शरीर में है, तो वो हृदय जो है वो जहाँ हम संसार को देख के सुन के उनका संस्कार इकट्ठा हो जाता है और हमको बचपन की याद आती है कि हमारे बाबा कैसे गंगा जी लेकर के जाते थे और कपड़े खोल के गंगा जी में स्नान कराते थे, हमको स्मरण आता है। हाँ, बोले कि बस जब मनुष्य गंगा स्नान के लिए चलता है तो उसके सारे पाप जो है उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। अहो कृतघ्ना मनुजाहि लोके स्वयं कृतान्येव विनाशयन्ति। अरे मनुष्य बड़े कृतघ्न है भाई, पाप कहते हैं, बड़े कृतघ्न है मनुष्य, स्वयं तो इन्होंने किया अब स्वयं हमारा विनाश करते हैं। और एक डुबकी लगाओ, दृष्टा जन्म शतम पापम, स्नाता जन्म शत द्वयम, पीता जन्म सहस्राणाम, अंत गंगा करो युगे। अब बताओ इस बात को हो गए 70 बरस लेकिन हमको याद है। तो वो उनके द्वारा सुना हुआ श्लोक और वो उनकी कही हुई बात और वो नंगे गंगा जी में चबोर दोनों हाथ को उठा के और चबोर देते थे बिल्कुल, वो स्मृति कहाँ है? वो स्मृति जहाँ रखी हुई जहाँ से उठती है उसका नाम हृदय है। और परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा वहीं जिस देश में जो वो हृदय देश है, पुंडरीक देश है, कमल देश है, उसी में परमात्मा रहता है। तो भाई बैठा होगा उसका पता कैसे चले? ब्राह्मण सर्वभूता तिष्ठति का अर्थ है कभी उसको छोड़ करके जाता नहीं। ये स्था जो धातु है, धातु का अर्थ गति निवृत्ति, माने वहां छोड़ करके उस स्थान को कहीं जाता नहीं। जैसे आकाश घट को छोड़ करके कहीं नहीं जाता, मठ को छोड़ करके जैसे कहीं नहीं जाता, वैसे हृदय देश में जो आकाश है, तो आकाश को यदि भूताकाश और चित्ताकाश न करके उसको चिदाकाश कर लो, चिदाकाश के रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ है परमेश्वर, वो कहीं दूर नहीं है। तो यंत्रारूढ़ानि धामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अभी थोड़े दिन हुआ, 10-12 बरस 15 बरस हुआ होगा, मैं प्रयाग गया त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। वो जयपुरिया जी की जब भागवत हुई थी तो कानपुर, वहां से मोटर में बनारस गया, तो रास्ते में मैंने कहा त्रिवेणी स्नान करके तब चलेंगे, और वहां मैं एक नाव पर बैठा। इतने में हमारा जो पुराना मल्लाह था जिसने हमको महीनों तक रोज त्रिवेणी स्नान कराया था उसने हमको देख लिया। उस समय तो मैं सन्यासी नहीं था, महीनों तक लगातार स्नान कर, वो झट अपनी नाव छोड़ करके हमारी नाव पर आ गया और हमारे नाव के मल्लाह को अपनी नाव पर भेज दिया, और वो नचाया है महाराज त्रिवेणी। नाव फर 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 जैसे मालूम पड़ता था जल को,
जल का स्पर्श नहीं करती है, ऐसी नाचती थी नाव कि अभी तक याद आती है। जनता रूढ़ानी माया, और हम तो नाव पर बैठे हैं, नाव नाच रही है और हमको लगे हम ही नाच रहे हैं। तो वो जो मल्लाह है ना, वो मल्लाह हृदय के नाव पर बैठे हुए जीवात्मा को नचा रहा है। यदि नाव से तादाद में छूट जाए तो जीवात्मा तो स्वयं घटाकाश के समान है, आकाश तो नहीं नाचता है। बिहारी जी नहीं झूलते हैं, झूला झूलता है। बिहारी जी तो झूल कितने अपने स्थान पर रहते हैं, झूला जब आगे आता है तो मालूम होता है बिहारी जी पीछे जा रहे हैं, और जब झूला बिहारी जी की ओर जाता है तो मालूम होता है बिहारी जी आगे आ रहे हैं। बिहारी जी ज्यों के त्यों और झूला झूलता है। कि ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, नारायण इस हृदय यंत्र पर जीव आरूढ़ हो गया, और माया कहो अविद्या कहो उसके कारण हृदय से एक हो गया, भगवान इसको नचा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अब ये है कि सर्वभूतानाम जो अलग अलग पद है वो तो घट पट मठ आदि उपाधि के समान सर्वभूतानाम अलग अलग है, और संस्कारक ग्राहक जो हृदेश है नारायण, उसको तो चाहे तो बहुवचन भी कर सकते हैं, कोई उसमें देश को एक वचन रहने दो और हृदय को तो बहुवचन भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। शरीर भी अलग अलग, हृदय भी अलग अलग, लेकिन उसमें जो ईश्वर है जिसकी सन्निधि से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होती है हृदय को, शरीर को और समग्र प्रपंच को, है और मालूम पड़ता है। ये दोनों बात जिससे मालूम पड़ती है, ईश्वर का ऐश्वर्य यही है कि वो अपने स्वरूप से प्रच्युत कभी नहीं होता। सृष्टि बनाना ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं है, और उसकी स्थिति करना ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं है, उसको जीवित रखना या संहार करना ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं है। ईश्वर का सबसे बड़ा ऐश्वर्य ये है कि वो अपने स्वरूप से प्रच्युत कभी नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं, उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं। यही है ईश्वरत्व, जो अपने स्वरूप से प्रच्युत हो गया वो तो काल का बच्चा होगा, वो ईश्वर कहाँ से होगा। जिसके स्वरूप में परिणाम है या विकार है या कर्म या कर्मफल का संबंध है, उसमें ईश्वरत्व कहाँ है। वो तो काल कर्म का बच्चा है और किसी देश विशेष में स्थित है, दैशिक है, कालिक है, वो तो द्रव्य रूप ही है एक प्रकार से, जड़त्व तो ही है उसमें। वो ज्ञान का अधिकरण तो भले हो परंतु ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता। तो ऐसा जो परमेश्वर है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अब भारत जो है वो अर्जुन की आनुवंशिक योग्यता का भी सूचक है, और प्रतिभावत होने से जिज्ञासुता का भी द्योतक है। भा माने ज्ञान, प्रतिभा उसमें रत है माने जिज्ञासु है, और भारत है माने भरत वंश में उत्पन्न होने के कारण आनुवंशिक योग्यता वाला है। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम्हारे पास जितना भी भाव है असल में भाव ही है। जीव जो है, जीव भी एक भाव है और ईश्वर भी एक भाव है, जगत भी एक भाव है। इसलिए जगत भाव, जीव भाव, ईश्वर भाव अथवा अनेक वस्तुओं के कारण अनेक जो भाव है, उस सारे भावों को लेकर के उसी की शरण में जाओ। शरण माने उपसंहार स्थान। श्री हिंसायाम
सबका बाध करके केवल उसी के सत्यत्व को स्वीकार करो। अथवा शरणं गृह रक्षित्रो हो, शरण माने अधिष्ठान, गृह माने अधिष्ठान। सब सर्व का देश काल वस्तु सर्व का निवास स्थान वही है, तमेव शरणं शरणं तमेव गच्छ जानी जाओ। सर्वभावे ने का यह भी अर्थ है कि उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब वही है। अपने सब भाव से शरण में जाओ, वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही बंधु है, वही सखा है, वही भोक्ता है, वही भोग्य है, वही कर्ता है, वही कर्म है। सर्व भाव से उसकी शरण में जाओ, अर्थात सर्व अथवा सर्व रूप वही है। सर्वभावेन जो कुछ है सो वही है, इस भाव से शरणं गच्छ तत्प्रसादात्। जब वो अपना पर्दा हटा देगा, खुश हो जाएगा, एक बार मुस्करा देगा। ये जो होठों से उसने अपने दांत दबा रखे हैं और उसका आनंद नहीं दिखता है, एक बार जहां मुस्कराया, प्रसाद उसका, प्रसाद माने निर्मलता, निरावरण, निष्कपट। भगवान का प्रसाद क्या है? अपने को निरावरण कर रहे हो, नंगा करके जिससे मिले ईश्वर, अपने को नंगा करके जिससे मिले उसके ऊपर उसका प्रसाद है। अब देख लो नंगा करके किससे मिलता है, माया का पर्दा, माया का कपट का पर्दा हटा करके जिससे मिलता है, माया का कंचुक हटा करके जिससे मिलता है, श्री राधा रानी से मिलता है, श्री जसोदा मैया से मिलता है, अपने ग्वाल बालों से मिलता है। और जो तत्वज्ञ पुरुष अविद्या रहित हो जाते हैं, उनसे माया रहित होकर के जब जीव अपने अविद्या के पर्दा को हटाने लगता है, तो भगवान अपनी माया का पर्दा भी हटा देते हैं। और अविद्या माया का पर्दा हटने पर मत प्रथम प्रकाशी बुद्धि अयुक्तस्य, इस श्लोक के आधार पर जिज्ञासा है, पारिभाषिक बुद्धि का क्या स्वरूप है, युक्ति या योग का क्या स्वरूप है, भावना किसे कहते हैं, शांति और सुख का भी क्या स्वरूप है, साथ ही साथ बुद्धि योग भावना शांति और सुख की उपलब्धि हो इसका अमोघ उपाय भी क्या। आगे पीछे जो प्रज्ञा के नाश के कारण बताए हैं, इंद्रियाणाम चरताम जन्मनोनो विधेयर तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्द्राम भस्य। आगे चली इंद्रिय, उसके पीछे चला मन। स्वामी जी बहुत बढ़िया स्फटिक की माला पहनते हैं, हाथ में देखा तो मन ने कहा हम भी पहनेंगे, बुद्धि ने कहा कोई भक्त चिता लो खरीद के ले आ। तो इसमें आगे हो गए इंद्रिय, चमक दमक देख के इंद्रिय फंस गए और मन हो गया उनके पीछे, मानना चाहिए। अब ये हो गया प्रज्ञा का नाश, तदस्य हरति प्रज्ञा, प्रज्ञा का हरण हो गया। और बुद्धि का नाश कैसे होता है ये भी पहले बात बताई गई, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शोक जायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा। यदि स्मृति का नाश हो गया तो बुद्धि का नाश हो गया। तो बुद्धि के नाश का विषय चिंतन से लेकर के स्मृति भ्रंश पर्यंत कारण बताया, और इंद्रियों के पीछे पीछे चलना, बुद्धि के पीछे इंद्रिय चलने चाहिए, इंद्रिय के पीछे बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। तो जो आंख को पसंद आया, जो मन को पसंद आया, हम तो चले थे इंद्रियों को वश में करने,
मन को वश में करना है और इधर तो बुद्धि नाश के मार्ग में चल रहे हैं। तो बुद्धि को, बुद्धि हमारी वश में रहे और यथार्थ का बोध करावे, यथार्थ का बोध व्यवहार में और परमार्थ का बोध वास्तव में, इसके लिए बुद्धि का युक्त होना आवश्यक है। तो युक्त को पहले यहां से ही ले लें कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार जो है युक्त रहना चाहिए, माने जो विषयों का हम ग्रहण करते हैं वो अयुक्त न हो जाए, हमारे साधन के विपरीत न हो जाए। साध्य की प्राप्ति जिससे होती है उसके विपरीत न हो जाए। तो आहार माने कान से सुनना भी वही जो हमारे साधन के अनुकूल हो, त्वचा से छूना भी वही जो साधन के अनुकूल हो, आंख से देखना भी वही जो साधन के अनुकूल हो, जीभ से स्वाद भी वही लेना और बोलना भी वही, हाथ से करना भी वही, नाक से सूंघना भी वही। प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा में हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हम अपने साध्य के अनुकूल विषय का सेवन कर रहे हैं कि नहीं, हर बात में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और विहार भी युक्त और चेष्टा भी युक्त, ये नहीं कि सोते तो सोते ही रहे और जगे तो जगते ही रहे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, माने जीवन में एक नियम आना आवश्यक है। यदि जीवन को नियमित नहीं करेंगे, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो पी लिया, जो मन में आया सो कर लिया, तो बुद्धि को एक वस्तु के चिन्ह अवसर नहीं मिलेगा। बहु शाखा हिनंताश्च उद्योग व्यवसायिनाम, जब हम निश्चयात्मक रीति से नहीं चलेंगे तो बुद्धि की शाखा बहुत हो जाएंगे। माने ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत शाखा हो गई और इनका अंत कभी नहीं होगा। अनंताश्च मुक्ति का मार्ग ही छूट जाएगा, उससे कभी भी मुक्ति नहीं हो सकेगी जिसकी बुद्धि में अनेक विचार आ गए। तो युक्त शब्द का पहले यहीं से अर्थ ले लें, तो युक्त आसीत मत परः बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्त आसीत मत परः, युक्त होकर के रहना चाहिए, पांव भी संभाल के रखने चाहिए। हम जब पहले कटोरी रखते थे और खन्न से आवाज हो जाए तो हमारे बाबा कहते थे नहीं नहीं ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसको चोट लगती है। उसको तो चोट लगती ही है, हमारे कान को भी चोट लगती है। अच्छा, और जो हमने देखा सावधानी, और आज ऐसी पेट पर खीरा रखती है, खीरा और तलवार से मारा जोर से खीरा तो कट गया और पेट के चाम पर जरा भी क्रौच नहीं लगी, तलवार छू नहीं गई। तो ये जो जीवन में सावधान रहना है हर बात में, कार्य एक छोटी बात है, इससे क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये मैं उत्तर आपका नहीं दे रहा हूँ, लोगों के बीच मिल रहा है, उत्तर उत्तर के लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। अप्रमाद जो है बुद्धि को स्वस्थ करने वाली वस्तु अप्रमाद है। प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीमि, प्रमाद जो जीवन में आया असावधान हुए तो मृत्यु जीवन में आ गई। न वही मृत्युर व्याघ्र वाती जंतु, मौत बाघ की तरह नहीं आती, प्रमाद के रूप में असावधानी के रूप में जीवन में मृत्यु आती है।
दूसरा ले लें युक्त कार, तो जदा विनियतम चित्तम आत्मन निवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे भी हो युक्त चेते तदा, चित्त में स्थिरता आनी चाहिए और वो स्थिरता अनात्म वस्तु में नहीं होनी चाहिए। कहीं हम तो एक सेठ था, वो कहता था हम तो इसी लड़की से ब्याह करेंगे, जदा भी नियतम चित्तम, हमारा चित्त तो बिल्कुल नियत हो गया, इसी लड़की से ब्याह करेंगे। लड़की ने कहा कि भड़ाऊ बाबा, हम तो तुम्हारे ऊपर थूकेंगे भी नहीं। सच्ची घटना बोल रहा हूँ और नाम प्रधान में बताना ठीक नहीं है। हम उनको पैसे से ब्याह नहीं करना है, लड़की थी मोर की, मोर एक अटक पढ़ी लिखी थी। तो यदि अनात्म वस्तु में आप चिंतन करोगे, का चिंतन करोगे, उसमें बुद्धि को स्थिर करोगे, तो आप बुद्धि को तो स्थिर करते रहोगे, वो चीजें ही भाग जाएंगी आपको छोड़ के। तो आत्मन निवावतिष्ठते एव और है उसमें, अनात्मा में चित्त को स्थिर करोगे तो पाओगे, और आत्मा में चित्त स्थिर करोगे, आत्मा में परमात्मा में जो हमेशा रहने वाली चीज है भगवान, कृष्ण से होली खेलो हर साल खेल सकोगे, और भाभी से होली खेलो तो कभी खेल सकोगे कभी नहीं खेल सकोगे। कृष्ण ने कैसी होली मचाई, एक ते होली मचाए नहीं कबहू, या तो करो बहुताई यही मन में ठहराई। कृष्ण के साथ होली खेलो, आत्मा के साथ नारायण परमात्मा के साथ सदा आनंद है। निष्प्रिय सर्व कामे जो काम्यन्ते इति कामा विषया, संपूर्ण विषयों से निष्प्रिय रहो, जो आवे सो आवे, जो जाए सो जाए, जाने वाला जाए बिना नहीं रहेगा और आए आने वाला आए बिना नहीं रहेगा। संसार उसको कहते हैं जिसको कोई पकड़ के रख नहीं सकता, संसरणम संसारा, और आत्मा उसको कहते हैं, ईश्वर उसको कहते हैं जिसको कभी छोड़ नहीं सकता कोई, कोई भी जिसको कभी छोड़ नहीं सकता उसका नाम आत्मा है, और जिसको कभी नहीं पकड़ सकता उसका नाम है संसार। तो निष्प्रिय सर्व कामे भो, अब आपका नाम हो गया युक्त, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य। एक तीसरा युक्त ले लो, शक्नोति हैवजः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। आप युक्त हो जाएंगे, कैसे युक्त होंगे, काम के बस में होकर किसी के पीछे मत दौड़िए, और क्रोध के बस में होकर के किसी को मारने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, छोड़ने के लिए मत दौड़िए, क्रोध के बस में होकर छोड़िए मत, और काम के बस में होकर पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। काम क्रोध का जो वेग है उसको सहन करने की शक्ति हो। मधुसूदन सरस्वती ने तो इसको इतना गंभीर कर दिया, प्राक शरीर विमोक्षणात् जथा शरीर मोक्षणात् उत्तरम, जैसे शरीर त्याग के अनंतर मुर्दे पर काम क्रोध का प्रभाव नहीं होता, वैसे जीवन काल में ही जिस पर काम क्रोध का प्रभाव न हो वो युक्त रह सकता है, सयुक्त उसका नाम युक्त है, और उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तरकीब ये है महाराज कि काम क्रोध का जो घेरा है ना, उससे अपने को बाहर निकालना। काम क्रोध का एक क्षेत्र है, एक देश ऐसा है जिसमें काम क्रोध रहता है, एक काल ऐसा है जिसमें काम क्रोध रहता है, और एक वस्तु ऐसी है जिसमें काम क्रोध रहता है, और एक मनस्थिति ऐसी है जिसमें काम क्रोध रहता है। आप उससे अपने को असंग कर लो,
आप उसके अधिष्ठान स्वप्रकाश अधिष्ठान का साक्षात्कार कर लो, यही उसकी तरकीब है। तरकीब ये है कि जो आने जाने वाली चीज है उसकी परवाह छोड़ दो, वो तो अनहुई भास रही है। तो वो उसको कहते हैं युक्त सयुक्त, और उसी को सुखी, सुखी भी वही होगा, शांत भी वही होगा। अशांत से पुता सुखम, अंत में सुख बताया ना, तो सयुक्त स सुखी न रहा, युक्त से आरंभ हुआ और वो सुखी हो गया। अब इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के स्तर होते हैं, आत्मा में स्तर नहीं होता है, बुद्धि में स्तर होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठा कांचन। आंख खुली रहे, देखो ये मिट्टी का गला है, देखो ये पत्थर है, देखो ये सोना है, आंख बंद नहीं है, खुली आंख है। मन प्रतीति का लोप हो जाने पर तो चेतनता का अभिव्यंजक कुछ रहेगा ही नहीं, इसलिए प्रपंच की प्रतीति होती रहे और अपना स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन रहे। है ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन तो है ही, प्रतीति तो उसकी अभिव्यंजना करने वाली वस्तु है। जो लोग वेदांती होकर प्रतीति को मिटाना चाहते हैं, वो किसी न किसी अंश में प्रतीति को सत्य समझते हैं, इसलिए ज्ञानी समाधि लगाकर प्रतीति को मिटावे, ये बात वेदांत के पक्ष में, नारायण साधन के पक्ष में तो है ही, और यदि स्वभाव से समाधि हो जाए तो ठीक है, विरोध नहीं है उसका, परंतु समाधि की ही प्रतीति ही होती है, इसलिए प्रतीति किसी अंश में स्वप्रकाश अधिष्ठान के विरुद्ध नहीं है। तो समलोष्ठात्मकांचन, समलोष्ठात्मकांचन ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ये देखो ये स्थिति है, ज्ञान विज्ञान में ही तृप्ति है, अज्ञान और अज्ञान के कार्य में और विज्ञान और विपरीत में तृप्ति नहीं है। तृप्ति कहाँ है? अपने स्वरूप में है। कितना भी मठ मंदिर बना लो और कितना भी संस्था प्रचार कर लो, कितनी भी पुस्तकें लिख लो, कितना भी प्रवचन कर लो, यदि तृप्ति अपने स्वरूप में नहीं है तो सब व्यर्थ है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ, व्यवहार में कूटस्थ रहो। कूटस्थ का अर्थ है कि जैसे सोनार की, लोहार की निहाई होती है, अहिरम होता है, उस पर कितने गहने तोड़े जाते हैं और कितने गढ़े जाते हैं, और वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहता है। कूटस्थ कहो जैसे चित्रकूट है, त्रिकूट है, पहाड़ का शिखर है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वो ज्यों का त्यों सिर उठाए खड़ा रहता है। आप अपनी जगह पर रहिए, हटिए मत अपने स्वरूप से। कूटस्थो विजितेन्द्रिया, कि हिंदी में तो इंद्रियां इंद्रियां चल गया बहुत ज्यादा, वैसे संस्कृत में यदि इंद्री शब्द होता तब तो उसका बहुवचन इंद्रियां होता, इंद्री शब्द तो है ही नहीं, इसलिए इंद्रिय शब्द ही एक वचन में बहुवचन में सर्वत्र इंद्रिय शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। तो हिंदी की स्वतंत्रता अलग है, उसको छोड़ दें। इंद्र सृष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम इंद्रियम, ये कर्म से कर्मानुसार पैदा हुई हैं, कर्म ही इनके साथ लगा रहता है। जब तक आरब्ध कर्म के द्वारा शरीर बना हुआ है तब तक इंद्रिय गोलक भी बने रहेंगे। तो शरीर का रहना या इंद्रिय का रहना जीवन मुक्ति के या तत्वज्ञान के विपरीत नहीं है। शरीर बना रहे क्या रहे, प्रतीति होती रहे इसकी क्या है, आंख कान नाक बने रहे, मर जाने का नाम तत्वज्ञान नहीं होता है। या व्याधि क्षय, तत्वज्ञानम क्षयम व्याधिम मन्यन्ते जे महा,
दिया तेषाम प्रज्ञाति विशदा किम तेषाम दुष्सकम बदल नारायण। तो इंद्रिय का मिट जाना जो है, इंद्रिय का मिट जाना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है कि आंख फोड़ लिया और कान में ठेपी लगा ली और नाक बंद कर ली और मुंह से खाना छोड़ दिया, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ ये है कि इंद्रिय बने रहें और ये अपने काबू में रहे। विजितेन्द्रिय विशिष्ट जो इनके ऊपर रहे, आंख हमको चाहे जहां कहीं जाने की प्रेरणा नहीं दे, हमारी न रहे तो नास्ति बुद्धि युक्तस्य। अब जिस कक्षा का युक्त होगा उस कक्षा की बुद्धि उसको प्राप्त होगी। अच्छा भाई युक्त न हो तो बुद्धि नहीं मिलेगी तो ठीक है, पर युक्त न होए तो भक्ति तो कर सकता है, भावना तो कर सकता है। न हो ब्रह्मास्मि बोध भावना ही करे, बोले न चा युक्तस्य भावना, यदि युक्त नहीं होगे तो कोई भावना भी व्यवस्थित नहीं होगी। न तो अहम ब्रह्मास्मि वादी सोहम, न सोहम भावना बनेगी। यदि युक्त व्यक्ति हो तो विक्षेप को भी भावना बना सकता है, भगवान के लिए नाचो भावना बनी रहेगी, भगवान के लिए गाओ भावना बनी रहेगी। नाचना तो विक्षेप है, ताली बजाना विक्षेप है, गाना विक्षेप है, परंतु जब भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए जब करते हैं तो उस विक्षेप में भी भावना जुड़ जाती है। इसलिए यदि युक्त पुरुष हो, सावधान सावधान पुरुष हो, तभी उसके हृदय में भावना स्थिर हो सकती है। यदि युक्त न हो तो भावना स्थिर नहीं होगी। अब नचा भाव है तो शांति, भावना नहीं करोगे माने एक तो हो वो दो बात यहां बताई, एक बोध और एक भावना। तो नास्ति बुद्धि युक्तस्य में तो बोध है और नचा युक्तस्य भावना में भावना है। या तो सर्वात्म बोध हो या तो सर्वात्म भावना हो। भावना अवर कक्षा की होगी और बुद्धि पर कक्षा की होगी। तो नचा भाव है तत्शांति, बोध तो है नहीं और भावना करते नहीं तो चित्त में शांति नहीं आवेगी, और शांति नहीं आवेगी तो सुख कहां से मिलेगा। और सुख को तो उपनिषदों में योगई भूमा तत् सुखम, परमात्मा को ही सुख कहा हुआ है। आनंदो ब्रह्मा उसी को आनंद कहा गया है, रसो वही सहा वही रस है। परंतु गीता में सुख को बांट दिया है, एक तामस सुख होता है, एक राजस सुख होता है, एक सात्विक सुख होता है और एक त्रिगुणातीत सुख होता है। तो नारायण सुखम अक्षज्यम अश्नुते, अक्षय सुख का वर्णन है। वो क्या है, तामस है कि राजस है कि सात्विक है। वो अभ्यास जन्य नहीं है इसलिए सात्विक नहीं है, वो विषय इंद्रिय संयोग जन्य नहीं है इसलिए राजस नहीं है, वो निद्रा प्रमाद आलस्य जन्य नहीं है इसलिए तामस नहीं है। सुखम आत्यंतिकम जब तक, काल परिच्छेद से रहित है इसलिए आत्यंतिक है। सुखम आत्यंतिकम जब तक बुद्धिग्राज्यम देश परिच्छिन्न नहीं है, और अतीन्द्रियम विषय परिच्छिन्न नहीं है। ऐसा जो सुख है गुणातीत, तो सुख के भी तारतम्य माने स्तर भेद से तामस सुख, राजस सुख, सात्विक सुख और स्वरूप सुख, गुणातीत सुख, आत्यंतिक सुख। तो शांति जिस स्तर की शांति होगी उस स्तर के सुख का अनुभव हो जाएगा। इसलिए बाबा ये मैंने इतना जो बोला है वो केवल लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। Thank you.